और लाइब्रेरी की स्थापना जो है वह 1867 से लेकर के 1880 के बीच में तत्कालीन महंत हेम नारायण गिरी के द्वारा किया गया है। और ग्रंथों के माध्यम से मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनका संकलन करना था, और इन संकलन को समाज के प्रत्येक वर्ग तक कैसे पहुँचाया जा सके ये प्रयास था। इसी प्रकार